आप लोग मैं सुन रहा हूँ मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं आप लोगों को बताऊँगा तो ये और आप के दुख सुख सब शामिल नहीं होगा तो मेरे दुख सुख में कौन शामिल होगा, कोई भी नहीं रहा और आपके क्या जिससे हमने ये नहीं देखना वो कौन है, हमने ये देखना इंसान है वो, हमने इंसानियत के नाते एक दूसरे की मदद करनी है। आज उसको देखेंगे खड़ा होके दूर से तो कल को आपके घर पर भी आ सकती है बात, हर हालत में उस चोर को पकड़वाएंगे, न्याय दिलाएंगे और ऐसा काम करेंगे ताकि चोर चोरी करने वाला बक्सा ना जाए और निर्दोष को कोई पकड़े ना। और तहसील के अंदर पुलिस के अंदर इतना भ्रष्टाचार हो रखा है कि गिरदावरी बनी है सबका होता है, इंतकाल दर्ज नहीं करते पैसे के लिए, अभी लाओ पैसा इंतकाल दर्ज करेंगे। एक मेरे पड़ोस का लड़का आज भी आया, उसकी माँ की डेथ होगी, उसको डेथ सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, जब तक डेथ सर्टिफिकेट ना मिले तब तक उसके इंतकाल या वो दर्ज नहीं हो सकते। अरे उसने तो यही मांगा भी मेरी माँ चली गई, उसका डेथ सर्टिफिकेट दो, वो डॉक्टर का काम होता है। और उसके बाद में बाप की विरासत बेटों में आती है, ये तो रियत है रिवायत है कि बाप की विरासत बेटों में आएगी, उसकी इंतकाल गिरदावरी, चार बेटे तो पांच बेटे तो पंचों के, अगर उसके पास 25 किले तो पचपन सब के पास आ जाएगी। वो तो कहने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक इंतकाल और गिरदावरी उनके नाम हो जाएगी हिस्से में। अरे गिरदावरी नहीं कर रहे लोगों की, साल साल की रोक रखी है, लोगों से पैसे मांगते हैं कि लाओ 5000 किले का दो। आज मैंने एक को तो काबू किया है, मैंने कहा या तो गिरदावरी जाके देख लिया इनकी और कर देना, नहीं तो अगला दिन है मेरा। इतना कहते उसने उनका काम कर दिया। अगर किसी भाई का 25000 रुपए बच जाए या 20000 बच जाए, अच्छी बात यह है कोई बड़ा काम तो नहीं करा। तो मैं तो ये चाहता हूँ नीचे किसान का बेटा हो, गरीब का हो, मजदूर का हो, दलित का हो, चाहे कमेरे वर्ग का हो, उसका काम होना चाहिए, जायज काम नहीं रुकना चाहिए। मैं आपसे भाई और विश्वास दिलाता हूँ, आपको तहसील के अंदर दर दर की भूखों को ना खानी पड़े, आपसे कोई पैसे मांगे, आपको लूटने की सोचे, आपको अनाथ समझे, इस इलाके का कोई बालीवास नहीं है, तो मैं भी आपका बच्चा हूँ, आपका बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, मैं क्या पुलिस पकड़ने और छोड़ने के नाम पर पैसे लेने बर्दाश्त करेंगे ये? भाई ठीक है कोई गुनाहगार है उसको पकड़ो, हम खुद कहते हैं गुनाहगार को पकड़ना चाहिए, लेकिन ये खेल नहीं चलने देंगे, मर्जी है उसको पकड़ लिया, पकड़ने के भी पैसे लेते हैं और छोड़ने के भी पैसे लेने हैं, ये कौन सा खेल है, ये ना नहीं चलेगा इस इलाके में। मैंने अफसरों को कह दिया बिल्कुल नहीं करने देंगे, गांव के आम आज मेरे से दो काम नहीं हो सकते, दो कामों को मैं आज बता दूं, कोई के नौकरी लगा दी आज मेरे हाथ में कोई कलम नहीं है, किसकी नौकरी कोई के तबादला करके यहाँ लिया, तो वो दो काम मेरे पास, देखो मैंने पहले कह दिया, अब मैं आपको सारे बेटे बेटे दे जाऊं वो बात नहीं, मैंने सच्ची बात में बतानी थी, एक तो नौकरी का भी मैं नहीं करवा सकता आज के दिन, अरे एक तबादले का नहीं करवा सकता, और कोई आपका काम कहीं रुकता हो तो मुझे अपनी समझ लेना, एक टायर पंचर हो गया तो वहां मुझे फिट कर देना, आपकी गाड़ी करा देना, आपको रस्ते में नहीं रुकना पड़ेगा। अब सारी बात होगी ना, अब इस बात का जो मैंने बात बताई इसमें कोई कमी पेशी है तो आप बता दो, जो बात बताई है वो लागू होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। और जब भी मैं पहले आता था आपके बीच में उस टाइम आपकी इज्जत होती थी कि नहीं होती थी, बता दो आप थोड़ी बहुत दो, मैंने ज्यादा नहीं तो 2% तो आपका मान सम्मान किया है, किया है ना, किसी की भेद भी तो नहीं करी,
किसी काम के आदमी के 10 रुपए तो बिना मतलब नहीं लगवाए ना मैंने। जमात बड़ी होती है जात से बड़ी जमात, जमात का मतलब होता है इंसानियत। उस इंसानियत के नाते आप और हम सब एक मुट्ठी की तरह बंद हो जाए ना तो सबसे मजबूत ये है कि बंद मुट्ठी लागी कुल भी तो खाकी। अगर यो यो घूमोगे गांव वाले और हम भी आप लोग तो एक उंगली को सारे तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे, ये सारी बंद हो जाए फिर कोई नजदीक भी नहीं आएगा। तो मैं तो आप लोग कहने वाला हूँ और आपको कहने के लिए आया हूँ कि आप सभी लोग भाईचारे को कायम रखते हुए और कामों में से अलग हो जाना, सांझे कामों में जाइए करो। वोट की बात आए आपको अच्छा लगे उसको बढ़ा देना, बस बात ही कर दो, वो तो आपका काम है। जो कुछ करेगा वो पीछे नहीं रहेगा। मैंने इतनी बात कही है और मैं नहीं कहता भाईचारा रखना है, भाईचारा बढ़ा के रखना है। अब अगली मीटिंग आप एक हफ्ते के अंदर बुला लेना, उसमें सारी कमेटी कमेटी बना लेना, उसके बाद में आप फिर प्रोग्राम रखना। कोई माइक नहीं लगाना है, कुछ नहीं, पंचायत घर में बैठना है और मेरे को टेलीफोन करना है, बस गरीब मिसाली होगा इकट्ठे हो जाए, मैं आपके बीच में बैठ जाऊंगा। और कोई नजायज दारू बेचे वो अपनी मर्यादा में रह के बेचे, गांव और गली के अंदर को दारू बेचेगा तो पकड़ा जाएगा, छोड़ दो भी बेचने आज में कल को वो कह देगा। ये मतलब नहीं है कि वहां रेड़ी भी लग जाए, रंडे भी खिलाओ और दारू भी पिलाओ और गिलास भी दे दो, क्योंकि तो आम आदमी जाए उस ठेक है तो आम आदमी का निकलना मुश्किल होता है। गांव में दारू नहीं बिकनी चाहिए, और जो बेचने वाला है तो कान खोल के सुन लो, उसको कह देना मेरी तरफ से क्यों बेचने जाएगी गलियों में दारू। वहां हमारी माँ बहन बेटियां घूमती है, किसी ने पीनी है तो ठेके से ले जाओ और अपने घर के अंदर पियो, कौन रोकता है? कोई नहीं रोकता। पर ये मतलब थोड़ा ही है कि दारू पी के यूं बाजार गलियों में घूमे, हाथ में दो दो बोतल और बेचता फिर तो ना भाई ये बर्दाश्त नहीं होगा। आप कह देना आपके काम के होंगे, कोई समझा देना प्यार से, तो ये इतने दिन कर लिया बहुत है बैठ जाओ। तो ये बात गलत तो नहीं कही मैंने, तो ये भी आज से लागू हो जाए, आज समझा देना, आज तो आपका समझा देना प्यार से, कल मेरा है, ठीक है। अब और आप बताना सारी बातें, मैं तो आपके बीच में हूँ और बैठ के बातचीत करेंगे प्यार से और बढ़िया बातें करनी है आप बढ़िया, तो मेरी कमी। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आज पहली बात है कितना मरीज आए पर्ची कटती है, डॉक्टर नाड़ी देखता है, आज मैं वो पर्ची कटती नाड़ी मेरी देख के फिर मैं टिक्का मैं लगा। ये अपना इलाका है, खुद का घर है। मैं हर रोज 2-3 गांव में जाता हूं, तो यहाँ युवा साथियों क्लब था, बहुत पहले बना हुआ था, आज से करीब 20 साल पहले उन्होंने मुझे बुलाया। हमारे ग्रामीण अंचल में सबसे ज़्यादा नशे की जो चिट्टे की मार है, उस चिट्टे की मार ने एक गांव को नहीं हमारे पूरे इलाके को तबाह कर दिया है, और जो तस्कर है उनको कोई पकड़ नहीं रहा। गांव के लोग कमेटियां बनाते हैं और उसमें हम पुलिस से यही उम्मीद करते हैं कि वो तस्करों को पकड़े। दूसरा, जो आज से करीबन 20 दिन पहले जो टिकड़ा गांव के अंदर एक माँ बेटी से लुटेरे उनकी चेन छीन ले गए थे, बाड़ियाँ छीन ले गए थे, उसका धरना प्रदर्शन जलसा जुलूस ये चल रहा है, लोगों में एक खौफ है, रोष है सरकार के प्रति। हमारा पुलिस से यही कहना है कि आप वो चोरी बरामद करो और चोरों को पकड़ो, लोगों को इंसाफ दिलाओ। देखिए मैं ये तो आरोप लगाता हूँ कि पुलिस इसको रोकने में नाकामयाब रही है, सरकार भी नाकामयाब है, और हमारी कोशिश है कि गांव के लोगों को साथ हम मिलके, हम सामाजिक बुराई है ये,
इसको रोकेंगे। गांव के लोग भी अब दुखी हो चुके हैं, इसमें हमारी युवा पीढ़ी खत्म हो रही है। हमारा कल्चर था हरियाणा का, देहात का, दूध दही का खाना होता था पहले, वो चीज खत्म हो गई, अब चिट्टा आ गया। तो हम चिट्टे के पीछे हाथ धोगे पड़ेंगे गांव के लोग, और हम सब साथ मिलके इसको पहले हम समाज से इसको दूर करेंगे, और फिर पुलिस से कहेंगे भी जो तस्कर है, स्मगलर है, उनको पकड़ो आप। पहला हमारा मैटर यही है कि वो चोरी बरामद हो, जिससे करीब 15-20 गांव की पंचायतें जाती है और पंचायतों को इंसाफ नहीं मिलता, तो ये सरकार की सबसे बड़ी नाकामी है। सरकार सो रही आँख मूंद के, उसके बाद में ना इनका कोई सरकार का जनप्रतिनिधि या एमपी है, कम से कम वो महिला है दुगल, और लोगों ने कितना मान सम्मान प्यार दिया, कितने वोटों से जिताया, तो वो महिला होने के नाते वो कम से कम उनके घर तो जाए। लेकिन सर वो दुगल जी ये कह रहे हैं कि मेरी जो पहली प्राथमिकता है वो चिट्टे का खात्मा है, वो कहती है कि चाहे कितने बड़ा पुलिस अफसर क्यों ना, उसको भी मैं बख्शूंगी। आपको लगता है कि अगर ये पहल वो चलाती हैं तो वाकई में कारगर हो सकती है? जो उसका बोलने का लहजा था एमपी साहब का, वो सरकारी था। सरकारी लहजा यही होता है कि हम बख्शेंगे नहीं। अब मैंने तो सीएम साहब है खट्टर साहब, वो यही कहते हैं कि हम भ्रष्टाचार को ख़त्म करेंगे। आप डवाली तहसील में देखा होगा रिश्वत लेते रजिस्ट्री कलर्क रिश्वत लेते पकड़ा गया, बल्कि उसको सस्पेंड किया, गिरफ्तार नहीं किया। खाली अखबारों में और टेलीविज़न के इंटरव्यू में देने से ये मसला हल नहीं होता। आपको ज़मीनी सतर पर आना पड़ेगा, आपको जनता का सहयोग लेना पड़ेगा, और करो फिर सस्पेंड एक दो करके दिखाओ। बड़े अफसरों के हाथ डाले सरकार, अभी तक तो वो कहती है बख्शेंगे नहीं, और जो गैर कानूनी तरीके से जो भी माफिया है उनको बख्शेंगे नहीं, रेत माफिया है, ट्रांसपोर्टेशन का माफिया है, आज तक तो मैंने नहीं सुना भी इन्होंने कौन सा माफिया खत्म किया है, बल्कि इनके सरकार में तो माफिया ज्यादा हावी हो गए। बिल्कुल, मैंने मेरे गांव के लोगों ने मुझे बताया कि कल डीसी साहब आ रहे हैं, तो डीसी साहब आए वेलकम, और उसमें गांव की जो समस्या है, मेरे गांव के अंदर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर ही नहीं है, और वहाँ के लोगों को बिजली बोर्ड की तरफ से, नहरी महकमे की तरफ से अफसर बहुत परेशान करते हैं। जमींदारों को सही ढंग से पानी नहीं मिल रहा, टेल पर पानी नहीं पहुंच रहा, तो ये बीजेपी के लोग हैं, इन्होंने सरसा ज़िले से बड़ा भेदभाव किया है, तो ये भेदभाव करना छोड़े। मुख्यमंत्री होता है वो व्यक्ति विशेष, कोई पार्टी का नहीं होता, वो पूरे हरियाणा का मुख्यमंत्री होता है, ना कि वही करनाल का मुख्यमंत्री है। तो मेरी तो यही अपील है कि वो बड़े आदमी हैं और मेरे जैसे आदमी की आवाज़ सुने तो ज़रूर उस पर गौर करना चाहिए उनको। ये सबकी सामूहिक समस्या है, मेरी निजी नहीं है, ये सबकी है, तो वो अच्छा होगा। वो कहते हैं कि मेरे संस्कार बड़े अच्छे हैं, तो ऐसे अच्छे संस्कारी सीएम साहब से मेरी यही उम्मीद है। मैं उम्मीद रखने वाला आदमी हूँ और ना उम्मीद नहीं हूँ। फिर मैं पब्लिक की तरफ जाता हूँ, फिर पब्लिक जनता सब जानती है, और जनता जब ठान ले वो सब कुछ कर लेती है। वो करे तो बहुत अच्छा होगा, नहीं करेंगे तो फिर पब्लिक और हम साथ मिल के करेंगे, इस चीज़ को रोकेंगे। तो हम हमारी आवाज़ है उसको दबने नहीं देंगे, उसको जोर शोर से उठाएंगे, और हम इसमें कामयाब होंगे।